राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में दिया जवाब। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में किया तीखा हमला, कहा कांग्रेस के बंटवारे के जहर की कीमत चुका रहा देश। ओवैसी ने सरकार से की मांग, कहा भारतीय मुसलमान को पाकिस्तानी कहने पर हो सजा, 3 साल की सजा का हो प्रावधान, सरकार से की कानून बनाने की मांग। ओवैसी के बयान के बाद बीजेपी सांसद विनय कटियार ने दिया विवादित बयान, कहा भारत में मुसलमानों का क्या काम, मुसलमान जाएं पाकिस्तान या बांग्लादेश। पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदा बहन का राजस्थान के कोटा चित्तौड़ में सड़क दुर्घटना में घायल, यशोदा बहन के सिर में लगी चोट, हादसे में एक शख्स की मौत, यशोदा बहन को चित्तौड़ के अस्पताल में कराया भर्ती। 2 दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर, कल दिल्ली दौरे पर की थी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, 8 फरवरी को चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद लौटेंगे शिमला। पंचकुला में 25 अगस्त को हुए दंगों का मामला, दंगा भड़काने के आरोपी आदित्य इंसा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए पुलिस ने की इनामी राशि। आपसी कहासुनी से तैश में आए बीएसएफ जवान ने की पत्नी की हत्या, कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की काटी गर्दन, जवान ने पत्नी की हत्या कर खुद को लगाई फांसी। हरियाणा के नारायणगढ़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने मारी कार को टक्कर, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत।